किलोमीटर की यात्रा तय करके तू मेरे पास आया, किस उम्मीद के साथ आया? नौजवान कहने लगे, मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय भीषण गर्मी में की इसलिए कि मां वैष्णो का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इसलिए मां तू मेरे ऊपर कृपा कर दे और मुझे आशीर्वाद दे दे। और वैष्णो माता कहीं ये प्रश्न कर दें कि जिस मां ने तुम्हें पैदा किया है, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है, उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? झूठ मत बोलना मेरे सामने, सत्य बोल। जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, क्या उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम्हें सत्य ही बोलना पड़ेगा। तुम यही कहोगे, मां सत्य कहता हूं, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है, 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। तो वैष्णव माता यही कहेंगी, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है उस मां का आशीर्वाद अगर तू घर बैठे नहीं ले पाया तो मंदिर में वैष्णव माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। निकल जा मेरे दरबार से, कोई अधिकार नहीं है मेरे दरबार में आने का। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक में उपहास के पात्र बनोगे और परमात्मा के यहां कोई एहसास नहीं होगा, परमात्मा के यहां कतई स्थान नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़े अपराधी यदि दुनिया के होगे तो तुम होगे।